Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter 3, that is the making of a global world, and a very heartily welcome to our YouTube channel Nagin Study of Groups. Here we are again with our next chapter from the history, that is the making of a global world. आज बेटा हम global world के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमने global world का निर्माण कैसे किया और किस तरीके से हमारा global world बनकर तैयार हुआ. तो सबसे पहले चैप्टर को करने से पहले एक बार मैं इसका थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ कि चैप्टर किस बारे में होने वाला है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो देखो ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में अगर कोई एक वर्ड में मैं सब कुछ इसको ना मतलब कनेक्ट करके बोलना चाहूँ व्हाट इज ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब होता है कनेक्टिविटी और एक पूरे वर्ल्ड को हम विलेज में कन्वर्ट करते हैं समथिंग लाइक दैट. एक व्यापार के तौर पर, व्यापार का मतलब है बिजनेस के तौर पर. बिजनेस का मतलब क्या है कि हम हमारे बीच में कुछ भी पाबंदियां ना हो. जैसे हमारा जो व्यापार है बेटा वो लिमिटेड नहीं है और वो अनलिमिटेड नहीं है और उसके बीच का है, दैट इज बिटवीन द वर्ल्ड्स है बेटे, बिटवीन द कंट्रीज के बीच में हो रहा है. तो आप किसी भी कंट्री के साथ व्यापार कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन बेटा. तो इसी टर्म को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन. और इस ग्लोबलाइजेशन के साथ जिस वर्ल्ड का निर्माण होता है, जिस वर्ल्ड की फॉर्मेशन होती है, द वर्ल्ड दैट क्रिएट that is known as the global world. उसको हम क्या बोलते हैं, global world बोलते हैं. तो आइए आज हम start करते हैं the making of global world. तो सबसे पहले तो इसी की definition के साथ शुरुआत करेंगे बेटा कि making of global world में जैसे इन्होंने बोला trade routes, goods and trading practices, तीनों चीजें देखिए अलग अलग है. एक है trade routes, एक है goods और एक है trading practices. ट्रेड रूट्स क्या होते हैं, व्यापार के रास्ते, गुड्स होती है वस्तु, और ट्रेडिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है बिजनेस करना. लेकिन इन सबसे पहले हम एक बार कर लेते हैं बेटा हम ग्लोबलाइजेशन. हम क्या कर लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर लेते हैं कि उसका मतलब क्या है. तो देखिए ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलेंगे, द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन इज ए रिसेंट ओरिजन. तो इसका बेटा क्या है, रिसेंट ओरिजन का मतलब क्या है, इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम विच है इंटरलिंक एंड इंटीग्रेटेड, जो इंटरलिंक्ड भी है, एक दूसरे को जोड़ता भी है और इंटीग्रेटेड भी है वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ. ध्यान रखना, नॉट ए कंट्री इकोनॉमी, नॉट ए लोकल इकोनॉमी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमी. हाउएवर ए ग्लोबलाइजेशन इज इन परमिटिव फॉर्म्स दिस एग्जिस्ट इन एंशिएंट मिडिवल एंड द अर्ली मॉडर्न पीरियड्स. इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड्स तो वी कैन से दैट कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो एंशिएंट में भी, वो मिडिवल में भी और अर्ली मॉडर्न पीरियड में भी, तो अर्ली मॉडर्न पीरियड में भी सब जगह एग्जिस्ट करता था लेकिन इसकी कुछ परमिटिव फॉर्म्स थी. अब देखो नया वर्ड आया परमिटिव. क्या होता है परमिटिव का मतलब होता है, जब कोई अपनी जो स्टेज होती है ना, जैसे हमने पीछे ना जैसे ज्योग्राफी को पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा था. तो बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, स्टार्टिंग से होता है बेटा, उस सब चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं. तो उसी के साथ हमने देखा कि प्रिमिटिव फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती थी एंशिएंट मिडिवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड्स में. अब इन सब बातों को भूल जाइए, अब दोबारा सुनिए क्या होता है ग्लोबलाइजेशन. देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी इकोनॉमी जो है ना वर्ल्ड की, उन सब का इंटरलिंक्ड होना और उन सब का कनेक्टेड होना. कनेक्टेड होने का मतलब है कि कोई भी बीच में बैरियर नहीं है. अगर बीच में बैरियर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ग्लोबलाइजेशन है बेटा, तो आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं. देखो टैक्सेस हो सकते हैं, टैक्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. और ग्लोबलाइजेशन की परमिटिव फॉर्म्स भी थी बेटा, जो एंशिएंट मिडिवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड्स में एग्जिस्ट करती थी. तो परमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल जो बेसिक होता है ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं. जैसे प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव फार्मिंग बिल्कुल बेसिक फार्मिंग, और ग्लोबलाइजेशन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि ये सारे जो अभी है, अभी जो है अभी हमारा प्रिमिटिव नहीं रहा, अभी हम एयर के जरिए भी, वाटर के जरिए भी, लैंड के जरिए भी, हम सब जगह सारे रास्तों के साथ क्या करते हैं बेटा, सभी चीजों का एक बहुत ही बड़े पैमाने पर सभी चीजों का व्यापार करते हैं. लेकिन ये सब पीछे नहीं होता था, पहले लैंड का भी इस्तेमाल किया जाता था, गुड्स भी लिमिटेड थी और वहां पे जो रास्ते हैं बेटा वो भी बिल्कुल लिमिटेड थे बेटा. लिमिटेड का मतलब क्या, इतनी ज्यादा सुविधाएं, सुख सुविधाएं इतने कम समय में नहीं होती थी. व्यापार होता था बट दैट इज नॉट ए इजी टास्क, समथिंग लाइक दैट टुडे, जैसा अब एक इजी टास्क है ऐसा टास्क नहीं था. ये बहुत ही बड़ा टास्क था जो कि किया जाता था. जैसे फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे प्री मॉडर्न पीरियड में, तो इंडस वैली हैड ट्रेड लिंक्स विद वेस्ट एशिया. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने सुना होगा बेटा, जो हमारी फैली हुई थी, तो उसके कनेक्शंस थे बेटा, उसके लिंक्स मिले किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ. इंडिया सी सेल फाउंड देयर वे फ्रॉम मालदीव से चाइना और ईस्ट अफ्रीका. देखो ये वर्ल्ड को कनेक्शन दिखा रहा है बेटा कि परमिटिव टेक्नोलॉजी में किस तरीके से कौन सा कनेक्शन कहां पे था बेटा. तो इंडिया के सी सेल कहां मिले हैं बेटा, मालदीव के चाइना से और ईस्ट अफ्रीका से. अक्रॉस
द कंट्री पीपल ट्रेडेड इन गुड्स एंड वेरियस आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड। बेटा तो कुछ वस्तुओं में ट्रेड करते थे, वेरियस आर्टिकल्स में ट्रेड करते थे, ट्रेवलर्स होते थे। देखो व्हाट इज ए ट्रेवलर, जो ट्रेवल करता है। अब ट्रेडर क्या होता है, जो व्यापारी ट्रेवल करता है। पिलग्रिम्स क्या होता है, जो जैसे धार्मिक यात्रा करता है। देखो सब ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवलर्स तो सिंपल भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा कोई व्यापारी हो बेटा, वो एक एक्सप्लोरर भी हो सकता है, वो एक अपना कोई काम से भी जा सकता है, बट वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे दैट इज नोन एज ट्रेवलर्स बोलेंगे उसको, एक ट्रेडर्स होगा वो ट्रेवल तो कर रहा है, बट उसका मोटो क्या है बेटा, व्यापार करना उसका मोटो है। एक पिलग्रिम्स क्या होगा बेटा, कि वो भी ट्रेवलर है, लेकिन उसका जो यात्रा करने का उसका मेन रीजन क्या है, दैट इज द धार्मिक संस्थान पे, धर्म के लिए यात्रा कर रहा है बेटा। एंड प्रीस्ट पे बेटा, जो पादरी थे जो अपने धर्म को फैलाते थे, वो ट्रेवल करते थे वास्ट डिस्टेंसेस में बेटा। ट्रेवलर आल्सो कैरीड जंप्स टू फार ओपलेसेस विद द विजिट, दैट इज द नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट कैसे हुआ कि ट्रेवलर्स अब व्यापार करते थे तो अपने साथ साथ वो जर्म्स और वायरसेस, बीमारियों को, एपिडेमिक्स को भी लेके जाते थे अपने साथ। तो अब यहां पे देख रहे हैं हम, तो एक दूसरे के साथ गुड्स का भी एक्सचेंज होता था, जैसे कल्चर का भी एक्सचेंज होता था, उसके साथ साथ जम्स का भी एक्सचेंज होता था, उसके साथ साथ अब इन सब चीजों का एक्सचेंज भी होता था वहां पे बेटा। तो अब आप इस तरीके से इससे अपना फाइनल देख सकते हैं कि किसका कनेक्शन कहाँ पे था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा, पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो आप आगे अपने बड़ी क्लासों में भी देखने वाले हो, दैट इज सिल्क रूट बेटा। वो आपका आता है, द सिल्क रूट वॉज मेनली अ ट्रेड रूट विच कनेक्टेड एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी। तीन चीजों को दिखा लीजिए, एक ऐसा ट्रेड रूट जो जोड़ेगा एशिया को अफ्रीका के साथ और यूरोप को बेटा, दैट इज सिल्क रूट बोलते थे उसको। सो क्या बोलते थे बेटा, एक ट्रेड रूट जो एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को जोड़ता था, दैट इज नोन एज ए सिल्क रूट बोलते थे। सिल्क वाज द चीफ कॉमोडिटी थी, वाज ट्रेड ऑन दिस रूट। इस रूट पे चीफ कॉमोडिटी जो ट्रेड की जाती थी वो सिल्क थी, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, सिल्क रूट पड़ गया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली सिल्क था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाउएवर मेनी अदर कॉमोडिटी सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, वूल, कॉटन, कार्पेट्स वो आल्सो ट्रेडेड ऑन दिस रूट पे क्या किए जाते थे बेटा, ट्रेड किया जाते थे। The routes also enabled cultural exchange from one country to another. कल्चर एक्सचेंज भी होते थे बेटा वन कंट्री से अनदर में। मैनी बुद्धिस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, प्रीस्ट थे, ट्रेवल ऑन दिस रूट इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस नॉलेज के लिए भी बेटा वो क्या करते थे, ट्रेवल करते थे, वो क्या करते थे, ट्रेवल करते थे। इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, उसको क्या बोला गया, सिल्क रूट बोला गया, कि जिसके ऊपर चीप कॉमोडिटी तो थी सिल्क, लेकिन अदर गुड्स आल्सो वो भी क्या होती थी बेटा, उनको भी क्या किया जाता था, उसके ऊपर से ट्रेवल किया जाता था उनके बिजनेस की फॉर्म में बेटा, गोल्ड, सिल्वर को भी, स्टोन्स को भी, वूल्स को भी, कॉटन्स को भी, कार्पेट्स को भी, और एक्सचेंज होता था बेटा, कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। और मैनी बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स थे बेटा, जो प्रीस्ट थे बेटा, ट्रेवल्ड ऑन दिस रूट आर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नॉलेज। किसके लिए बेटा, स्पिरिचुअल और रिलीजियस नॉलेज के लिए क्या करते थे, ट्रेवल कर। फूड ट्रेवल्स नेक्स्ट क्या आता है बेटा, फूड ट्रेवल्स आता है। देखिए फूड ट्रेवल्स का मतलब है, व्हेन पीपल ट्रेवल्ड फार अक्रॉस द कंट्री दे कैरी नॉट ओनली देयर आइडियाज, गुड्स एंड कमोडिटी, बट आल्सो देयर फूड एंड फूड हैबिट्स बेटा। अब देखो कोई भी जाएगा बेटा, तो अब कोई भी जाएगा तो कंट्री में क्या बेटा, अपने साथ साथ अपने आइडियाज भी लेके जाएगा। वो आइडियाज उसके धर्म से रिलेटेड बेटा, कल्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं बेटा। अब वो आइडियाज के साथ साथ क्या होंगे, गुड्स एंड कमोडिटीज होंगी, बट आल्सो फूड एंड फूड की हैबिट्स भी होंगी बेटा। तो ये फूड की हैबिट्स भी ट्रेवल करती थी, फूड भी ट्रेवल करता था। तो इसमें क्या, वेरियस फूड आइटम सीड्स वर्स कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर, दीज फूड आइटम अज्यूम डिफरेंट नेम्स नेम इन डिफरेंट कंट्री। तो फूड जो आए बेटा, फूड का भी ट्रेवल हुआ तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये भी कैरियड किया गया वन पार्ट से अदर पार्ट्स में, बट इनका ना कहीं पे नेम, कहीं पे कुछ पड़ा, कहीं पे नेम का कुछ पड़ा, और इनमें से कुछ स्पेशल भी थे। जैसे नूडल बिकम सेफिगेटी आफ्टर दे वर टेकन चाइना टू द वेस्ट, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, सेफिगेटी। मैनी कॉमन एंड स्टेपल, स्टेपल फूड होता है बेटा जो ज्यादातर मैक्सिमम यूज में खाया जाता है बेटा, सच एज पोटैटो, टोमेटो एंड चिलीज एंड मेज वर नॉट नोन इन मैनी कंट्री इन द एंशिएंट पीरियड। द फूड आइटम्स वर, ये फूड आइटम्स जो आपके थे, इंट्रोड्यूस दिन एशिया एंड यूरोप आफ्टर द कॉन्टिनेंट अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जब अमेरिका को डिस्कवर्ड किया गया था तो कौन से ऐसे फूड थे बेटा जो इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो क्या थे, पोटैटोज थे, टोमेटोज थे, चिलीज थी, मेज थी, वर नॉट नॉट इन मैनी कंट्री इन द एंशिएंट पीरियड। दिस फूड वर, कब हुए थे, जब किसका डिस्कवर हुआ था बेटा, अमेरिका का। और अभी ऐसे अमेरिका को कनेक्टेड करके सीखे, किसने डिस्कवर किया था इसको, कोलंबस ने डिस्कवर किया था।
तो ध्यान रखिए बेटा, चीज क्या आएगी बेटा ऊपर से पढ़ेंगे दोबारा, सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट बेटा, सिल्क रूट सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन आएगा। ग्लोबलाइजेशन क्या था बेटा? इंटीग्रेशन होना बेटा, सारी कॉमन जो कंट्रीज है बेटा, पूरे पूरे वर्ल्ड का इंटरलिंक होना और इंटीग्रेटेड होना एज ए बिजनेस के रूप में और इकोनॉमीज के रूप में, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। प्रिमिटिव था एंशिएंट टाइम में, इंडस वैली के ट्रेड मिले हैं, लिंक किसके साथ? वेस्ट एशिया के साथ मिले हैं। और उसी के साथ एक सिल्क रूट होता था बेटा, जिस रूट है बेटा जो एशिया अफ्रीका एंड यूरोप को जोड़ता था। ध्यान रखना बेटा, एशिया अफ्रीका और यूरोप को जो जोड़ता था बेटा वो कौन सा था? सिल्क रूट था। चीफ कमोडिटी वाज ट्रेडेड ऑन दिस रूट, इस रूट पे जो चीफ कमोडिटी थी दैट इज सिल्क। हाउएवर मेनी अदर कमोडिटीज सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन से भी क्या होते थे? कॉटन कारपेट भी ट्रेड होते थे, जम्स भी होते थे, फूड हो भी होता था, फूड की हैबिट्स भी होती थी, सब कुछ ट्रेवल करता था। अब इनमें ट्रेवलर्स भी थे बेटा, कुछ हमारे ट्रेवलर्स के साथ बुद्धिस्ट और पिलग्रिम्स के भी प्रिस्ट भी थे बेटा, जो अपने धर्म को फैलाने के लिए ट्रेवल करते थे और कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेवल करते थे। अब जैसे जैसे अब व्यक्ति ट्रेवल करेंगे तो उनकी फूड और फूड की हैबिट्स भी ट्रेवल करती थी बेटा। तो व्हेन पीपल ट्रेवल फार अक्रॉस द कंट्री दे कैरी नॉट ओनली देयर आइडियाज, तो उनके आइडियाज और गुड्स और कमोडिटीज नहीं थी, बस उसके साथ उनकी फूड और फूड की हैबिट्स भी थी। वेयर इज फूड आइटम सीड्स वर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंट्री टू द अदर, आया बेटा फूड आइटम में जो नेम थे बेटा उनके नेम डिफरेंट रखे गए एक पार्ट है दूसरे में। मैनी कॉमन स्टेपल फूड सच एज टोमेटो, पोटैटो, चिल्ली, मिर्च सबको जो मैनी कंट्री नहीं जानती थी वो आई बेटा। अब दूसरी तरफ इंट्रोड्यूस्ड इन एशिया यूरोप आफ्टर द कंटिनेंट अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, बेटा इनको एशिया और यूरोप में क्या करा गया बेटा? डिस्कवर्ड किया गया बेटा, कहाँ पे? एशिया में और यूरोप में, आफ्टर द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ दीज फूड आइटम चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ यूरोपियन, जिसने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। यूरोपियन पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। देखो स्पेशल फूड के बारे में बताया है कि यूरोप के जो पुअर थे ना बेटा, यूरोप के पुअर जो लोग थे बेटा, गरीब जो लोग थे, बिगन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो। और वो इंट्रोडक्शन के साथ ज्यादा क्या करने लगे बेटा? इसके साथ वो उसके साथ क्या करने लगे? ज्यादा उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आया और उसके साथ उनकी लाइफ का भी जो था बेटा ज्यादा हुआ बेटा। अब देखो पेंडिंग डिपिक्टिंग द डेथ ऑफ नेटिव कैन बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब देखो फूड जाएगा तो फूड के साथ तो जर्म्स भी जाएंगे। अब आपके साथ कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको वायरस फैला हुआ बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे अच्छा एग्जांपल कोरोना वायरस का लीजिए, ये एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था बेटा। तो ऐसे चिकन पॉक्स वगैरह के या बहुत सारे वायरस पहले भी एग्जिस्ट करते थे बेटा। तो देखिए अब देखो आता कंकस्ट डिजीज एंड ट्रेड बेटा, व्यापार भी करना है, व्यापार के साथ कंकस्ट भी करना है, डिजीज भी फैल रही है बेटा, बीमारियां भी फैल रही है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या आता हमारा, पहला पॉइंट डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स एंड जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन सिग्निफिकेंटली चेंज द जियोग्राफिकल लाइफ स्टाइल ऑफ यूरोपियन पर्टिकुलर। देखो कैसे लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा बेटा वो, देखो जैसे सी रूट के बारे में पता लग गया, अब जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता है कौन सा कहाँ पे एरिया है बेटा, सबको एक्सप्लोर किया जा रहा है, वहां पे लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, अभी इतनी ज्यादा सुख सुविधा नहीं है, टेलीफोन अभी तक नहीं आया है। तो देखो सिग्निफिकेंटली चेंज द जियोग्राफी एंड लाइफस्टाइल ऑफ यूरोपियन बेटा, सी रूट जैसे पता चले तो जियोग्राफिक एक्सप्लोरेशन हुई तो इसने लाइफस्टाइल ऑफ यूरोपियन को बिल्कुल चेंज कर दिया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की क्या की थी बेटा डिस्कवरी, इट वास्ट लैंड्स मिनरल्स एंड एविडेंट क्रॉप चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल लिविंग एल्सवेयर। तो इसकी लैंड्स ने, इसके मिनरल्स ने, इसकी एबुडेंट क्रॉप्स ने बेटा आप तो सीड्स भी ट्रेवल करेंगे तो उनके चेंज को चेंज कर दिया लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर माइन इन प्रेजेंट डे पेरू और मेक्सिको में जो सिल्वर माइन थी बेटा फाइनेंस यूरोपियन ट्रेड विद एशिया बेटा, आपको फाइनेंस कर दी थी किसको? यूरोपियन ट्रेड को भी। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश बिगन टू कॉन्कर एंड मेक इन रोड्स इनटू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। पोर्टुगीज और स्पेनिश ने बेटा कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्कर करना है बेटा जीतना, किसी इलाके को जीतना, उसको अपने अधीन करना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसको कंकर करना एंड मेक इन रोड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दे वर एबल टू कंकर द अमेरिकन नॉट बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर वेपन, वो सिर्फ इसी तरीके से कॉन्कर नहीं करते कि सुपीरियर वेपन है, बट आल्सो बिकॉज ऑफ द जम्स दैट दे कैरी लॉन्ग विद देम, उनके साथ जम्स भी तो कैरीड कर रहे थे बेटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, बट बिकॉज ऑफ द जम्स दैट दे कैरीड लॉन्ग विद देम, क्योंकि अपने साथ वो क्या लेके घूम रहे थे बेटा, जम्स को लेके घूम रहे थे। द नेटिव्स ऑफ अमेरिका वर कट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज विच केम फ्रॉम यूरोप, और उनके पास कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी जो यूरोप से डिजीज आई थी। स्मॉल पॉक्स टू विच द यूरोपियन वर इम्यून किल्ड थाउजेंड्स ऑफ नेटिव अमेरिकन, इनके प्रति जो यूरोपियन थे वो तो इम्यून थे, अब उन्होंने किल्ड कर दिया बेटा थाउजेंड ऑफ नेटिव अमेरिकन्स को एंड पेव द वे ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका बेटा, और एक रास्ता बनाया बेटा कॉलोनाइजेशन। और कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या, मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कॉलोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी वन पार्ट ऑफ एरिया
अगर सेकंड पार्ट के ऊपर जब अपना रूल्स एंड रेगुलेशन का डोमिनेशन कर लेता है, दैट इज नोन एज कोलोनाइजेशन बोला जाता है बेटा। मैं यूरोपियन माइग्रेटेड इन योर ऑर्डर टू एस्केप रिलीजियस प्रोसेक्शन टू बिगिन ए न्यू लाइफ बेटा। मैं यूरोपियन माइग्रेटेड टू अमेरिका हो गए बेटा, माइग्रेट हो गए अमेरिका में टू एस्केप रिलीजियस प्रोसेक्शन के लिए बिगिन ए न्यू लाइफ। मैंने कोटन शुगर केन प्लांटेशन और एस्टेब्लिश इन अमेरिका, सेवरल अफ्रीकन कैप्चर्ड एज स्लेव वर्क। और अफ्रीकन को कैसे कैप्चर किया गया बेटा, स्लेव वर्क के लिए कैप्चर किया गया। एग्रीकल्चर एंड मिनरल वेल्थ, अमेरिका बिगन टू डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर और मिनरल वेल्थ ही बेटा वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट रही बेटा, अमेरिका की कहाँ प्रेजेंट रही, अमेरिका में। लेकिन इन सब के ऊपर कॉन्कर कौन करता, वो पुर्तगीज और स्पेनिश थे बेटा। इंडिया चाइना अमंग द रिचेस्ट कंट्री इन एंशिएंट एंड मिडिल टाइम में, रिसेंट थी बेटा, बिल्कुल रिच कंट्री थी। हाउएवर बाय बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी में द पोजीशन बिगन टू डिक्लाइन होगी। यूरोप एमर्ज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप एमर्ज होने लगा बेटा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड के बारे में। तो देखो क्या बताया गया इसमें, इसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले भी डिस्कवरी हुई, यूरोपियंस ने डिस्कवरी की बेटा, किसकी, कोलंबस ने बताया, भी अमेरिका के बारे में बताया। अब अमेरिका के बारे में पता लगा तो वहां पे रिच मिनरल्स थे, वहां की क्रॉप्स भी अच्छी थी, तो वहां पे पुर्तगीज और स्पेनिश ने जाना स्टार्ट कर दिया, उसको कनकर करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर कनकर करना क्या होता है, उस इलाके के ऊपर अपना अधीन करने लगे, उन मिनरल्स के ऊपर अपना मतलब मिनरल्स के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये अधिकार जताते जताते बेटा उनके पास एक ऐसी बीमारी थी जिन डिजीज के खिलाफ वो इम्यून थे। इम्यून होने का मतलब होता है ये डिजीज जिसके खिलाफ आप इम्यून है तो वो आपके ऊपर कोई असर नहीं डालती बेटा, तो लेकिन दूसरे व्यक्तियों उसके बारे में वो इम्यून नहीं होगा तो बेटा उसकी डेथ हो जाएगी। तो इम्यूनिटी जिसके पास थी तो वो उसके उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो स्पेनिश और पोर्तुगीज तो स्मॉल पॉक्स के प्रति इम्यून थे, लेकिन अमेरिकन ने इसके प्रति इम्यून बिल्कुल नहीं थे। ऐसी एक पेंटिंग भी दिखाई गई बेटा जो डिपिक्ट करती है डेथ ऑफ द नेटिव अमेरिकन बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द स्मॉल पॉक्स बेटा, जिसमें क्या हो गया था बेटा, नेटिव अमेरिकन की डेथ हो गई थी किसके कारण बेटा, स्मॉल पॉक्स के कारण। तो बिगेन कर दिया बेटा पोर्तुगीज ने, स्पेनिश ने कॉन्कर करना, और सुपीरियर वेपन्स भी थे और उनके साथ जम्स भी क्या कर रहे थे बेटा, ट्रेवल कर रहे थे। कट ऑफ कर दिया वर्ल्ड को, नो इम्यूनिटी थी यूरोप इसके बाद, विच केम फ्रॉम यूरोप से जो आई थी स्मॉल पॉक्स टू विच द यूरोपियन वर यूरोपियन। तो यूरोपियंस स्मॉल पॉक्स के प्रति इम्यून थे, उन्होंने किल्ड कर दिया 1000 अमेरिकन को, बट कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका किया। मेरी यूरोपियन माइग्रेटेड टू अमेरिका इन ऑर्डर टू एस्केप रिलीजियस परसेप्शन के, तो रिलीजियस के लिए भी कुछ लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया अमेरिका में, एंड बिगन ए न्यू लाइफ, नई लाइफ बनाई बेटा। मैंने कोटन शुगर केन प्लांटेशन और एस्टेब्लिश ने अमेरिका में एस्टेब्लिश की, सेवलर अफ्रीकन को कैप्चर किया गया स्लेव वर्कर के रूप में, और मिनरल वेल्थ जो अमेरिका की थी बिगन टू डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी को। एग्रीकल्चर की वेल्थ भी थी अमेरिका के पास और मिनरल वेल्थ भी उसके पास थी, और डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया बेटा। और इंडिया और चाइनीज भी रिचेस्ट कंट्री थी, लेकिन 18th सेंचुरी तक बेटा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन हो गया था, यूरोप हो गया था। ये था बेटा आपका, ये था आपका, देखो किसके बारे में, कंकस्ट, किसने कंकस्ट किया, डिजीज कैसे थी और व्यापार कैसे चल रहे थे। अब उसके बाद आता है बेटा 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में आएगा बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले चेंजेस इन इकोनॉमी के बारे में। चेंजेस इन इकोनॉमी में पढ़ेंगे बेटा हम, देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे चेंजेस इन इकोनॉमी। देखो सिग्निफिकेंट, अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ बेटा, जैसे ही 19th सेंचुरी आई बेटा तो देखो प्राइस वगैरह में आया बेटा, कुछ कोर लाज वगैरह लाव थे बेटा जो इनको इम्पोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो कुछ डिमांड वगैरह उसमें भी चेंजेज हुए, सप्लाईज वगैरह में भी चेंजेज हुए बेटा, तो उसको लेकर कुछ चेंज हुए बेटा इकोनॉमी में। और वो चेंज क्या कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में डिमांड फॉर फूड ग्रेन की इंक्रीज होगी बेटा ग्रेट ब्रिटेन में। अब ध्यान से सुनना बेटा कैसे स्टार्ट हो रही है बातें, अब डिमांड होगी इंक्रीज, इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। अब जैसे डिमांड इंक्रीज होती है ना तो अपने हिसाब से प्राइस ऑफ फूड ग्रेन भी इंक्रीज कर लेती है, ध्यान रखना बेटा। एक बार देखो एक बात सुनिए आप ध्यान से, तीन चीजें होती है, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई और एक होती है प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा, लेकिन इसका उल्टा काम होता है सप्लाई के साथ। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा रहेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। देयर आर थ्री चीज, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी बेटा किसमें, ग्रेट ब्रिटेन में। इंक्रीज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स को इंक्रीज कर दिया अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर के प्रेशर के कारण, द गवर्नमेंट पुट ए बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के जो कॉर्न हो रहा था उसके ऊपर बैन लगा दिया, दैट इज नोन एज कॉर्न लॉज। इसको क्या बताया गया बेटा, कॉर्न लॉज का कानून बताया गया बेटा, कॉर्न का कानून बताया गया कॉर्न लॉज। और ध्यान रखना कौन सी कंट्री थी, द कंट्री विल बी ग्रेट ब्रिटेन कंट्री थी बेटा। फर्दर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, फिर प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज होने लगी। अब तो इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, उसके बाद और कमी होगी बेटा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस और भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा।
लेट द गवर्नमेंट टू स्क्रैप द कोन लॉ, स्क्रैप करना पड़ा कोन के लॉ को, क्योंकि वहां पे सप्लाई और ज्यादा कम होगी। फॉर बिगन टू बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन सच लार्ज क्वांटिटी में ब्रिटेन में आने लगा दैट ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट, के साथ कम्पीट नहीं कर पाई। मैनी एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेटेड टू द सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेटेड कर गए बेटा कहाँ पे, सिटीज में, किसके उसमें बेटा, इन ऑर्डर टू, इसके क्या करने के लिए कर गए बेटा, वो करने के लिए कर गए कि उनकी इन सर्च ऑफ वर्क के लिए वहां पे कहां माइग्रेट कर गए बेटा सिटी में। रिडक्शन इन फूड प्राइस इन ब्रिटेन कंजप्शन, तो वहां पे क्या हुआ बेटा, देखो रिडक्शन इन फूड प्राइस इन ब्रिटेन इंक्रीज कंजप्शन बेटा। अब रिडक्शन हो गया फूड प्राइस में बेटा, देखो इसको भी समझना पड़ेगा, हर एक लाइन को समझिए आप। अब प्राइस में अगर रिडक्शन हो जाएगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर देखो आपको चीजें सस्ती मिलेंगी तो आप एक बात आइए ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, आप हमेशा ज्यादा खरीदेंगे। तो अगर रिडक्शन फूड प्राइस हो गया तो कंजप्शन भी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द एवरेज इनकम रोज, तो एवरेज इनकम क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई। लैंड्स वर क्लियर्ड इन ईस्टर्न यूरोप में, लैंड को क्लियर किया गया ऑस्ट्रेलिया में एंड अमेरिका में, रशिया में, टू मीट द फूड डिमांड, से मीट करने के लिए ब्रिटेन में। दे आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स ट्रांसपोर्ट का और सेटलमेंट ऑफ दीज रीजन का सेटलमेंट हुआ। मैनी यूरोपियंस आल्सो माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, से ले गए अमेरिका से ले गए एज लेबर, वाज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर के लिए, कहां चले गए बेटा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में चली गई। तो यहाँ पे 1890 में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर हेड ग्लोबल हो गया बेटा। फूड केम नॉट नेसेसरी फ्रॉम नियर बाय विलेज बट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे से फूड आता था। क्रॉप्स वर ग्रोन बाय सेवरल एग्रीकल्चर लेबर के द्वारा, हुआ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फार्म में करते थे, एंड फूड वाज ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंस लैंड्स कंट्रीज बाय रेलवे एंड शिप्स बेटा। और फूड को डिस्टेंस लैंड्स में कंट्री में रेलवे एंड शिप्स के द्वारा क्या किया जाने लगा, ट्रेवल किया जाने लगा। अब देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज टुक प्लेस इन इंडिया एज वेल एज ड्यूरिंग दिस टाइम इन वेस्ट पंजाब, कैनल वर बिल्ट टू इरिगेट लार्ज चंक्स ऑफ सेमी एरिड लैंड को करने के लिए बेटा। किसको बिल्ड किया गया, लार्ज किसको, कैलन को, जिसको हम कैनल कॉलोनी भी बोलते हैं बेटा। दिस मेड द सोइल फर्टाइल बनाया, वीट एंड राइस को ग्रोन किया गया और मैनी पेशेंट आर सेटल अराउंड द न्यूली फर्टाइल लैंड के आसपास सेटल हो गए एंड रिजम केम टू बी नोन एज कैनल कॉलोनी, और उसको क्या बोला गया, कैनल कॉलोनी बोला गया। क्या बोला गया, कैलन कॉलोनी। देखो दोबारा पढ़ते हैं बेटा सारी बातों को एक बार ध्यान से समझना, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो चेंज क्या है, सबसे पहले 19th सेंचुरी में इकोनॉमी में चेंज कैसे आया, सबसे पहले तो एक इम्पैक्ट आया बेटा ब्रिटेन में, डिमांड फूड ग्रेन्स की बढ़ी तो इसके ऊपर क्या हुआ, इंपोर्ट किया जाने लगा फूड को, प्राइस क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गए। और व्यापारियों के प्रेशर के कारण गवर्नमेंट ने किसको, अंडर द प्रेशर ऑफ लैंड ओनर्स के बेटा, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक बैन को पुट कर दिया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न के ऊपर, दैट इज नोन एज कॉर्न लॉज को बताया गया बेटा। अब उसके कारण क्या हो गया, अब फूड ग्रेन्स की फर्दर इंक्रीज हो गया बेटा, फूड ग्रेन्स के प्राइस क्यों हो गए इंक्रीज, क्योंकि सप्लाई कम हो गई बेटा, तो गवर्नमेंट ने कॉर्न के लॉ को हटाना पड़ा, और कॉर्न लॉ को हटाने के बाद अब उसके प्राइस क्या हो गया बेटा, कम हो गए, तो प्राइस कम हो गए तो कंजप्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया बेटा, जिससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। अब कुछ माइग्रेशंस भी हुए, माइग्रेशंस कहां पे हुए बेटा, अमेरिका में, रशिया में, कुछ फ्यूचर बेटर फ्यूचर के लिए बेटा ब्रिटेन से, और फूड डिमांड को मीट करने के लिए अमेरिका और रशिया से मंगाया जाने लगा, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स का, ट्रांसपोर्ट का और सेटलमेंट का बेटा। लेकिन 1890 में देखें तो एग्रीकल्चर हैड बिकम ग्लोबल, 1890 तक एग्रीकल्चर ग्लोबल हो चुकी थी। फूड इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम नियर बाय विलेज एनी बट बहुत थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे से आता था, तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। क्रॉप्स वर ग्रोन बाय सेवरल एग्रीकल्चर लेबरर्स हु वर एम्प्लॉयड एज एन एग्रीकल्चर फार्म में, लेबरर्स को क्या एम्प्लॉयड किया जाता था, एग्रीकल्चर फार्म में लगाया जाता था। फूड वाज ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट, कहां पे ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट लैंड पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था कंट्री बाय रेलवे एंड शिप्स के द्वारा, और इसके बीच में कैनल कॉलोनी भी थी बेटा। पंजाब में इरीगेशन के लिए लार्ज चंक्स और सेमी एरिड लैंड को करने के लिए किए गए, सोइल को फर्टाइल किया गया और व्हीट और राइस को ग्रोन किया गया, और मैनी पेशेंट उसके आसपास क्या हो गए बेटा, सेटल्ड हो गए, और इस फर्टाइल लैंड को ओरिजिन केम टू नोन क्या है बेटा, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, कैनल कॉलोनी नाम दिया बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा है कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, एक तो हमने पढ़ा बेटा चेंजेस इन इकोनॉमी कैसा है 19th सेंचुरी में, एक हमने पढ़ा है कॉन्क्वेस्ट डिजीज और ट्रेड के कैसे ट्रेवल किया बेटा, और दूसरा हमने पढ़ा बेटा इसके अंदर स्टार्टिंग में कि ग्लोबलाइजेशन क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड रूट्स कौन से थे, सिल्क रूट क्या था, गुड्स और वर्ल्ड को कैसे हमने ट्रेडिंग की प्रैक्टिसेज वगैरह की थी, फूड ने कैसे ट्रेवल किया, डिजीज ने कैसे ट्रेवल किया, और उसके साथ साथ कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड का टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अमेरिका में पोर्तुगीज
पोर्चुगीज का और स्पेनिश का बेटा किस तरीके से प्रभुत्व रहा, कैसे उन बहुत सारे लोगों की जान चली गई स्मॉल पॉक्स के कारण, क्योंकि कुछ एक बीमारी थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, जिसके प्रति आपके जो यूरोपियन वो इम्यून थे लेकिन अमेरिका वाले इम्यून नहीं थे। कैसे पता लगा कि अमेरिका में मिनरल और एग्रीकल्चर की भरमार थी बेटा, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। और 18th सेंचुरी से पहले चाइना और इंडिया भी क्या थे बेटा, बहुत ही रिच कंट्री थे। और उसके बाद हमने चेंज इन इकोनॉमी पढ़े, कोला के बारे में पढ़ा ब्रिटेन में, जहाँ पे हमने इकोनॉमी के कुछ पार्ट देखे, फूड ग्रेन की डिमांड में और उसकी सप्लाई में और उसके कंजप्शन में चेंजेस को देखा। कहीं पर डिमांड ज्यादा हो रही है तो प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, कुछ सप्लाई ज्यादा हो रही है तो कंजप्शन, सप्लाई ज्यादा हो रही है तो कंजप्शन भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहे हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा 1990 तक हमारी जो एग्रीकल्चर थी बेटा वो ग्लोबल हो चुकी थी। और हमने कैनल कॉलोनी के बारे में भी पढ़ा बेटा, जो कि किससे रिलेटेड था, आपके पंजाब से रिलेटेड था। तो ये था आपका बेटा फर्स्ट क्लास, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड था बेटा, दैट इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास। एंड इसमें हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े बेटा, आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बावजूद अगर कोई भी एक वर्ड भी आपको समझ में नहीं आता, उसके भी मैं डिटेल से बताने के लिए तैयार हूँ, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स उनमें बेटा वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको इस फायदा उठा सके इस वीडियो का, जिसको हमने बहुत ही मेहनत से बनाया। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।